गाड़ियों का इंतजाम हुआ ना, हो गया ना? हाँ, होल्ड कर एक मिनट। भैया क्या कर रहे हो, जरा जल्दी करो, कल शादी है, जोर से हाथ चला। अरे याद है इसकी हल्दी के दिन, चार दिन तक रंग नहीं उतरा था। अबे अभी रुकना है, तेरा दस दिन तक भी नहीं उतरेगा, रुक जरा देखते हैं। अरे शामू हलवाइयों का काम देखना जरा। अरे रामू तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? तुझे मैंने ताजा दूध लेने के लिए कहा था, है ना? लल्ला को उसी के साथ नहलाना है, लाया कि नहीं लाया? माँ जी बस वही लेके आ रहा हूँ। जा जल्दी जा। अरे मेरा लल्ला, न ज्यादा लगे किसी की। अरे लड़कियों शुरू करो, हल्दी लगाओ, हल्दी जल्दी। चलो करो जल्दी। सुना है कॉलेज में दोनों साथ में थे, वही डॉक्टरी करते करते चक्कर चल गया, डॉक्टरी की डिग्री के साथ साथ दुल्हन भी ले आया। अब गोदावरी बहन जी की सपने धरे के धरे रह जाएंगे। अरे इकलौता लड़का है, खून पसीने की कमाई से डॉक्टर बनाया है, पता नहीं कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। अरे कृष्णा तुमका भाई बहुत खुशी हो रही है, लड़की भी हजारों में एक है एक। अरे लव मैरिज हुई तो क्या हुआ, बड़े मान सम्मान के साथ कर रहे हैं शादी, संबंधियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ऊपर से लड़की डॉक्टर है डॉक्टर। अम्मा हल्दी का कार्यक्रम तो हो गया, अब हम जा रहे नहाने। अरे नहीं 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 रुक, अरे दूध रखवा रहे हैं, उसी से नहाना है तुझे। अरे अम्मा हम भगवान शिव थोड़ी ना है जो हमें दूध से नहलाया जाएगा। अरे ये रीति रिवाज है, करने पड़ते हैं। अच्छा ठीक, भिजवा देना कमरे में, हम जा रहे हैं। अच्छा अच्छा पूजा गौर, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। शादी एक ऐसा बंधन है जो दो दिलों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच भी एक रिश्ता कायम करता है। लड़का और लड़की जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो दो अलग अलग परिवारों का भी संगम संबंध में तब्दील होता है। लव मैरिज हो या फिर अरेंज्ड मैरिज, दोनों ही तरह की शादियों में लड़का और लड़की की रजामंदी सबसे अहम होती है। तभी तो कहते हैं कि शादी दबाव का नहीं बल्कि चुनाव का फैसला है। पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौका मिलता है? हमारी आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, जिसमें एक नौजवान के लिए अपनी शादी किसी सदमे से कम नहीं थी, और उस नौजवान का नाम था योगेश। योगेश बनवारीलाल और गोदावरी का इकलौता बेटा, दिल्ली का एक वेल सेटल्ड डॉक्टर, अपनी पसंद की लड़की अवंतिका से शादी करने जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, योगेश की जिंदगी एक बेहतर कल की ओर करवट लेने वाली थी। अपने सुनहरे कल के सपने देखने वाले योगेश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका आज कितना दर्दनाक और घिनौना होगा। दिन दहाड़े शादी वाले घर में जहां इतने सारे लोग मौजूद थे, उन सब की आंखों में धूल झोंक कर कौन थे वो लोग जो योगेश को इस तरह उठा ले गए? आखिर क्या वजह थी, क्या चाहते थे ये लोग? क्या ये किसी आपसी रंजिश का मामला था या फिर कोई और बात थी? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे थे इस किडनैपिंग के साथ। योगेश, योगेश लल्ला कहाँ है बिटवा? पूजा का बखत हो गया है, कहाँ गया ये लड़का? योगेश लल्ला कहाँ गया ये? योगेश लल्ला, योगेश बेटा, बेटा कहाँ है योगेश? योगेश को देखा कहीं? नहीं बेटा, योगेश को देखा कहीं? अभी तो हल्दी लगा के नहाने के लिए गया। नहीं नहीं वहाँ तो कोई नहीं है। थोड़ी देर पहले योगेश के बापू, योगेश दिखाई नहीं दे रहा। अरे चिंता काहे कर रही हो, अपने दोस्तों में होगा कहीं। नहीं नहीं पूरा घर छान मारा, कहीं भी नहीं है वो। अच्छा शांत रहो, हम देखते हैं, हम जाके देखे देखे। तुम शांत रहो, हम देखते हैं। कहाँ चला गया होगा?
अरे लल्ला का फोन तो यही है। ये कैसे हो गया? वो ऐसे कहाँ जा सकता है हमें बिना बताए? समधी जी। समधी जी का? समधी जी नमस्कार। पंडित जी ने बारात का मुहूर्त शाम 7 बजे का निकाला है। वो योगेश पटवारी मैन जी, ये सब क्या हो गया? क्या बताएं बहू रानी, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। तो क्या हो गया? भाऊजी, हमें पुलिस में कंप्लेन लिखवानी चाहिए। नहीं नहीं, शादी का घर है, बदनामी होगी। तो फिर क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। लल्ली ठीक कह रही है भाई साहब, हमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आइए चलिए। ढूंढिए मेरा बच्चा कहाँ गया। शादी तोरे लल्ला की मर्जी से ही होता ना, कौन इशक विशक का चक्कर तो नहीं रहा? ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक साथ काम करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कौन दहेज वहेज का लफड़ा? एक बेटी की खुशी के लिए माँ बाप जो कुछ भी करते हैं वो एक आपसी मामला है। लल्ला की कौन तस्वीर है क्या? जी हाँ। वहाँ FIR लिखवा दीजिए, जैसे ही हमें कोई खबर मिलती है हम इत्तला कर देंगे। हम भी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम एक होने जा रहे हैं। तो यकीन कर लीजिए डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत जल्द हम अवंतिका से मिसेस योगेश बनने वाले हैं। अच्छा सुनो, ये बताओ कि हनीमून के लिए कहाँ चले? हटो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात, अब तो तुम हमारी पत्नी बन जाओगे और हनीमून पर तो तुम्हें ही साथ ले जाएंगे ना। अगर तुम कहो तो किसी और को ले जाए। पुलिस भी तो अपनी छानबीन कर ही रही है ना। हाँ बहन जी, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा दामाद जी को। हम पानी लेकर आते। कब ठीक होगा? कब आएगा मेरा बच्चा? कब मैं उसका मुंह देखूंगी? खाना खाएगा? भूख लगी है? ला रे खाना दे इसको, हाथ छोड़ दे उसके। खाने दे इसको खाना, चल। कोई होशियार ही नहीं आप? योगेश अवंतिका से प्यार करता था और उसकी अवंतिका से शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर योगेश को किडनैप कर लिया गया। जाहिर है कि हर किडनैपिंग के पीछे कोई खास वजह होती है, लेकिन योगेश के मामले में ये समझ पाना बेहद मुश्किल था कि योगेश को क्यों उठाया गया था। योगेश के घर वालों के पास फिरौती का कोई फोन भी नहीं आया और जिस तरह से अपहरणकर्ता योगेश के साथ पेश आ रहे थे उससे ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि मामला आपसी रंजिश का भी नहीं था। तो फिर अपहरणकर्ता आखिर चाहते क्या थे? क्यों पकड़ के रखा है मुझे यहाँ पर? अगर तुम लोग को पैसे चाहिए तो मांग लो, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। अच्छा चल, तेरी बात मान लेते, जा तुझे जाने देते, जा। रोना हुशियार नहीं रहे, छे के छे डाल दूंगा अंदर। तेरे धुलाई का टाइम आ गया। क्या रे धुलाई का टाइम आ गया, मतलब क्या चाहता है तुम लोग? बेटा चल वो पहुंच, चल जल्दी जल्दी अपना लावे। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? ये ज्यादा सवाल जवाब नहीं, चल चुपचाप पहन चल।
कपड़ा पहनो और राजा बाबू की तरह तैयार हो जाए जल्दी से। वाह रे लल्ला, ये हुई ना बात, लग रहे बिल्कुल राजा बाबू। चलो संभाल के दूंगे राजा, आराम से ऊपर चल, आइए आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग, कहां पर लेकर आए हैं आप मुझे? अब लग रहे सही माने में दूल्हे राजा। ये क्या जबरदस्ती है, आप लोग जबरदस्ती शादी करा रहे हैं मेरी, ये गलत है, मैं पुलिस को बुलवाऊंगा। अरे पहले ब्याह तो हो जाने तो जीजा जी, फिर पुलिस तो क्या पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देना। चलो पंडित जी शुरू हो जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम भूर्भुव स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धुनो प्रचोदयात्। अब दोनों वर वधु वरमाला के लिए खड़े हो जाए। अरे हो काहे शर्मा रहे हो, बताइए पकड़ो बेटा। अरे बेटा बेटा आप लोग दोनों लोग खड़े हो जाइए फेरों के लिए। हाँ बेटा भाई जल्दी कर। अरे जीजा जी उठिए, उठिए ना, आप शर्मा रहे हो आप तो है। अब आप आगे चार फेरे तक तुम आगे, तो तीन में मैं। गलत, तीन फेरों में हम आगे, चार फेरों में आप आगे। चलिए पक्का? पक्का बाबा, आइए। अरे जीजा जी रुक काहे गए हो, हाँ चलो ना, अरे शर्मा रहे हो का, चल। बेटा अपने सास ससुर का ख्याल रखना, और वही तुम्हारा घर है, और दामाद जी का भी ख्याल रखना। काहे मोछले हो रही हो अम्मा, यही बाजू में तो जा रहे हैं, कभी भी मिलने आ जाना। दा ऐसे थोड़ी कहते हैं, अब हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पी सकते। अरे अम्मा तो शरबत पी ले ना। क्यों जीजा जी। चलो चलो लेट हो रहे हैं, चलो, चलो आइए जी, हम छोड़ के आते हैं। बैठिए बैठ। एक मिनट। अच्छा सुनो भैया, अंकल जी शादी बढ़िया हुई ना? हाँ। जो हम वादा किए पूरा किए, देखिए डॉक्टर दामाद लाए। सो तो है भैया, बहुत ही नेक दामाद मिला है हमको, और ये सब तुम लोगों की कृपा है। शगुन उगुन दीजिए। अरे हाँ तो मैं भूल ही गया भैया। वैसे आपको बहुत बहुत बधाई हो, और कोनो सेवा हमारे लायक तो जरूर बताइएगा। तो कहा है कि सोनू भैया के पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अपना वही पुराना ठो ठिकाना लाल चौक जिंदाबाद। बाकी पंडित जी है, कोनो संदेशा हो तो ऐसे भिजवाइएगा। अब चलते हैं, इनको छोड़ना भी तो इनके घर पे। हाँ, हाँ, चले हाँ, जाओ जाओ जाओ। नमस्कार। नमस्कार। पकड़वा विवाह, यानी कि जबरदस्ती पकड़ के किसी लड़की की उसकी मर्जी के खिलाफ किसी अनजान लड़की से शादी करवा दिया। ना तो लड़का लड़की को पसंद करता है, और ना ही लड़की लड़के को जानती है, फिर क्या कारण हो सकता है ऐसी शादियों का? और शादी होने के बाद क्या, कौन खुश रहता है इसमें? क्या हर्ष हो सकता है शादी के ऐसे बंधनों का, जिसमें योगेश जैसे लड़के जबरन बांध लिए जाते हैं? आइए जिया जी, संभाल के संभाल। बस बस बस, आ गया जिया जी का मायका और दीदी का ससुराल। सुनो दीदी को परेशान नहीं करने का, कौनो कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझे? चलो बहना। लल्ला, ये क्या है? ब्याह हुआ है हमारा इनके साथ, बहू है हम आपकी।
आशीर्वाद नहीं देंगे? चलिए कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे। योगेश, ये सब क्या है? कौन है ये लड़की? तुमने इससे शादी कर ली? हाँ खुद ही योगेश, तुम्हें शर्म नहीं आई? बस बहुत हो गया, कोई पराई औरत हमारे पति से ऐसे बात करे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। बेटी, अम्मा जी गृह प्रवेश नहीं कराएंगे हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं। हमारा कमरा बता दीजिए ना। अरे कोई तो बताइए। चलिए कोई नहीं, हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। बेटा, ये क्या, कौन है ये? क्या किया तूने, ये क्या किया? पिताजी किया नहीं, हमसे जबरदस्ती करवाया गया। हमारी आंखों के सामने हमारी जिंदगी बर्बाद होती रही और हम अकेले निशाही देखते रहे, कुछ न कर सके। मेरी बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई बनवारी लाल जी। नहीं बाबा, हम इस शादी को नहीं मानते, हम सिर्फ और सिर्फ अवंतिका से प्यार करते हैं, और अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ अवंतिका से। ये जो कुछ भी हो रहा है सब सब गलत है, सब गलत है। आए क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया, आए क्यों नहीं? मैं ही देख के आती हूँ। अरे कहाँ है आप? आप यहाँ हैं? अब क्या सोहागरात अम्मा बापू संग बनाएंगे? चलिए अंदर, हमने आपके लिए दूध गर्म करके रखा है। चलिए अब आप चलेंगे या फिर भैया को कॉल करें? चलिए आप चलिए, हम आते हैं। नहीं, साथ में चलिए आप। ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? देखो ये गलत है। देखो मेरी बात सुनो, ये गलत है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हम आपकी धर्म पत्नी। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये गलत है, ये शादी जबरदस्ती की गई है, लेकिन मैं शादी को नहीं मानता। अजी सुनिए तो, प्रणाम मम्मा जी। हटो, पहली बार रसोई में कुछ बनाने जा रहे थे, बताइए क्या खाएंगे आप? कोई जरूरत ना है, खबरदार हमारी रसोई में गई तो हमसे बुरा कोई ना होगा। लगता है भैया भी आते होंगे, उन्हें बता देते हैं कि अब माँ जी अलग रसोई चाहती है ना? बहना ने याद किया और हम आ गए। प्रणाम आंटी जी, सब ठीक? और बताइए हमारे प्यारे जीजा जी कहाँ हैं? अरे जीजा जी कहाँ हो? देखो आपके इकलौते साले आए हैं आपसे मिलने। ये कुछ फल मिठाई लाए थे, खातिरदारी ढंग से हो नहीं पाई हमसे। रहने दो। अरे अब करे देते हैं। अरे आइए जीजा जी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। अरे अरे जीजा जी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जा रहे हैं अपनी बहनों को लेकर, पग फेरे की रस्म है, अभी तो ले जा रहे हैं अपनी बहनों को, शाम को आ जाइएगा इन्हें लेने, वरना अंजाम तो आप जानते ही है ना। लीजिए, चलो दीदी। चलिए भैया। अरे इंस्पेक्टर, यही मेरा बेटा योगेश, ये पिछले 5 दिनों से गायब था। ये बात जानकर कि तोरा लल्ला वापस आएगा वहा है, बहुत खुशी हुई हमको देख। लेकिन क्यों भाई, कहाँ गायब हो गए थे? अरे सभी परेशान थे तोरे खातिर। इंस्पेक्टर साहब, हमें किडनैप कर लिया गया था, हल्दी की रस्म खत्म ही हुई थी और हमें हमारे घर से उठा लिया गया, 4 दिन तक जबरदस्ती एक कमरे में बंद रखा गया और एक अनजान लड़की के साथ हमारी शादी करा थी। कौन हो भाई? एक मिनट साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें किडनैप किया था।
और ये वही है इन्होंने अपने बेटे के साथ हमारी जबरदस्ती शादी कराई। अरे क्या बात कर रहे हैं जीजा जी, इंस्पेक्टर साहब जीजा जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने राजी खुशी हमारी बहना के साथ शादी की है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं, अरे हम इनके बेटी को जानते तक नहीं। हमारी शादी होने वाली थी अवंतिका से, ये देखिए ये हमारी शादी का कार्ड। सर कार्ड तो हमारी बहना के साथ भी छपे हैं इनके, ला दिखा रहे। ला रहे, देखिए सर। इंस्पेक्टर साहब ये कार्ड झूठा है, फर्जी कार्ड है ये। अरे इंस्पेक्टर साहब अग्नि के सामने सात फेरे लिए, गले में मंगलसूत्र पहना है, मांग में सिंदूर भरा, ये देखिए हमारे पास फोटो भी है सर। इंस्पेक्टर साहब हमारी बात का यकीन कीजिए, ये सारी चीजें हमसे जबरदस्ती करवाई गई थी। 24 घंटे हमारी जान बंदूक की नोक पर रखी हुई थी, बात बात पर बंदूक। सब सब बिटिया की पग भराई के लिए जब दामाद जी घर आए थे तो 10 लाख की डिमांड करने लगे। साहब हम कहां से लाते इतनी रकम, हमने मना कर दिया इनको। झूठ बोल रही है, मैंने इनसे कोई पैसे नहीं मांगे, मैं इनको जानता तक नहीं। इंस्पेक्टर साहब हमने मना किया तो लगे धमकी देने कि बहन हमेशा मायके में रहेगी, ससुराल का मुंह तक नहीं देख पाएगी, बस हम आ गए रपट दिखाने। झूठ बोल रही है, अभी साफ झूठ है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा 5 दिन से गायब था, इन लोगों ने अपनी लड़की की शादी जबरदस्ती उसके साथ कराई है। सब ये गलत बात कर रहे हैं, दुनिया का कौन बाप अपनी बिटिया की जबरदस्ती शादी करके उसको कुएं में धकेलेगा। सब मैं बिटिया का बाप हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। हमाद जी ने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से ब्याह किया था और अब दहेज के लालच में देखिए ना। इतना झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनसे कोई पैसे नहीं मांगे, मैं इन्हें जानता तक नहीं। एक मिनट, इनकी बिटिया के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ रहा कि नहीं? हाँ मगर इंस्पेक्टर साहब ये बताओ कि इनकी बेटी के साथ सात फेरे लिए रहे कि नहीं? लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये सारी मंगल सूत्र पहनाया रहा जबरदस्ती इन लोगों ने। लल्ला कानूनन इनकी बिटिया तुम्हारी लुगाई हो गई है। अबे ड्रामेबाजी बंद करो और चलो यहाँ से निकलो। अरे निकलो भाई, तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या सपने देखे थे हम दोनों ने मिलकर, और क्या हो गया? मैंने अपनी जिंदगी के साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ये सब कुछ तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना योगेश, क्यों बार बार अपने आप को दोष देते हो? और अब मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से अलग थोड़ी ना। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, I'm really fed up of this things। और ऊपर से ये लड़की 24 घंटे मेरे सिर पर बैठी होती, अब मुझसे नहीं सह जाता। मुझे किसी भी हाल में इन सारी चीजों से छुटकारा पाना है, किसी भी हाल में। तो फिर निकाल दो ना उसे। बिल्कुल सही बात है, क्यों जीजा जी, वहां हमारी बहना अकेली और आप यहाँ। मिल गया जवाब, चलिए अंदर चलिए, बहुत नाटक हो गए आपके भी। भाई भाई नहीं, चलिए। और तुम, तुम्हारा कोई पति या बॉयफ्रेंड नहीं है? कहो तो दिला दे तुम्हें भी एक जीजा जी जैसा, चलती बनिए यहाँ से। और दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो ऐसा बुरा हाल करूंगा तुम्हारा, चलिए। और आप लोग, दादा दादी बनने का तो शौक है नहीं आपको? अरे नया जोड़ा है, स्वागत मनाने देंगे या नहीं? चलिए जीजा जी, छोड़िए माँ का पल्लू, देखो चलिए ना। दरवाजा बाहर से बंद करो, ये बाहर जाने नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है, ये शादी शादी नहीं है, ये सब कुछ इलीगल है। प्लीज तुम चली जाओ, बस तुम्हें यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, ना हम, ना हमारा प्यार, ना हमारा सम्मान। कैसी बातें करते हैं जी, पूरे समाज के सामने शादी हुई है पूरी रीति रिवाज के साथ, और अग्नि को साक्षी मान के पत्नी बने हैं हम आपकी, साथ फेरे भी लिए, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता इस शादी को। हमें मनवाना आता है, देखिए हमें मजबूर मत कीजिए कि हमें भैया को बताने की नौबत आए। अब आपकी शादी हो चुकी है, भलाई इसी में है कि आप इसे पूरे रीति रिवाज के साथ निभाइए, समझे? और वैसे भी आपके पास अब कोई और चारा भी नहीं है, है ना? गुंडे की बहन हूँ, गुंडागर्दी तो तुम्हारे खून में है, लेकिन हम तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होने देंगे।
दीदी कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, पूरी रात पहरा देते देते थक गए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे अम्मा जी दिख नहीं रहा है क्या हमारा भाई कितना भूखा है, जरा जाइए रसोई से कुछ समोसे कचौड़ी बना के लाइए। अरे भैया बैठो ना, खड़े क्यों, चलिए। अरे जीजा जी कैसे हैं? ये सब क्या तमाशा लगा के रखा, चले जाओ यहाँ से। अरे जा रहे हैं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये लीजिए, हमारी अम्मा ने दिया था शगुन का। अरे लीजिए ना। अरे दीदी बाद में तुम थमा दें। और हाँ जीजा जी, हमारी लाडली बहना को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना चलते हैं। प्रणाम। और हाँ सबकी भलाई इसी में है, ये रिश्ता निभाया जाए। चलिए आप जरा बैठिए, हम आपके लिए नाश्ता बना के लाते हैं, ठीक है? लल्ला लल्ला जो हो गया सो हो गया, क्यों पचड़ों में पड़ना? अब तेरा ब्याह तो हो चुका इसके साथ, निभा ले बेटा। कैसी बात करी आप अम्मा? तुम हमारी इकलौती संतान हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। बेटा रोज रोज इन गुंडों के मुंह कौन लगेगा? बेटा तुम इस लड़की को स्वीकार कर ले। पापा हम इस लड़की को अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लल्ला हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ पे हाथ धीरे बैठे रहने से कुछ नहीं। तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन, हम बड़े साहब से बात करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर है। चल देखिए, ना कोई गवाह है और ना कोई सबूत, फिर हम किस बिना पर उन्हें अरेस्ट कर लें? सही कहा आपने, हम हैं सरिता, इनकी निकल धर्म पत्नी। गवाह और सबूत तो सिर्फ हमारी शादी के हैं, फिर भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब आप ही बताइए, अगर हम अभी इसी वक्त इसी छुरी से अपना हाथ काट कर इल्जाम इन पे डाल दें कि इन्होंने दहेज के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार किया, फिर क्या होगा? ये जाएंगे अंदर। हाँ साहिब आप, आपके सामने सब कुछ हो तो बड़ी तो आपकी भी जाएगी, है ना? क्या कर रही हैं आप ये? लाइए मुझे ये दीजिए, लाइए। देखो योगेश तुम तो खुद फंसोगे और मुझे भी मरवाओगे, शादी तो तुमने कर ली है, बेहतर इसी में होगा कि इस लड़की का चक्कर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करो, समझे? और आप अवंतिका जी क्यों उन जोड़ों को अलग करने पे तुली हैं आप? हाँ देखिए ना, हम भी तक अब से यही समझा रहे हैं पर ये है कि मानती ही नहीं। देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आप लोगों का आपस का मामला है, आप संभालिए इन्हें। चलिए आप चलिए यहाँ से, आप चलिए। लेकिन सुनिए, चलिए अवंतिका, अवंतिका आई एम वेरी वेरी सॉरी, तुम देख रही हो ना हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इट्स ओके योगेश, आई अंडरस्टैंड। अवंतिका आई लव यू अ लॉट, हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं सोच रहा जिससे हम इस लड़की और इस छोटी शादी से छुटकारा पाए। योगेश तुम वो सारी बातें याद करो जो पिछले 5 दिन में हुई, हो सकता है कोई बात कोई क्लू मिल जाए। अरे कहाँ हैं आप? देखो हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं, फिलहाल हम फोन रखते हैं, वो आ रही है। उन 5 दिनों में तो और कोनो सेवा हमारे लायक तो जरूर बताइएगा। वो कहा कि सोनू भैया के पास हमारा कांटेक्ट नंबर है, अपना वही पुराना ठो ठिकाना लाल चौक जिंदाबाद। अरे भाई साहब यहाँ पे लाल चौक कहाँ है? पता नहीं। अरे भाई साहब यहाँ पे शादी के लिए? अरे भैया ये लाल चौक है, यहाँ बर्बादी होती है शादी नहीं होती है, तो किसी पंडित जी के पास जाओ। भैया जी पीने के पानी की बोतल देना है। हाँ पीने के पानी की बोतल, ये लीजिए पीने के पानी की बोतल। कितना हुआ? 20 रुपए। ये लीजिए। राम राम पंडित जी। राम 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 राम, खुशी रहो आनंद रहो।
नमस्ते पंडित जी। देखिए पंडित जी, इकलौती बेटी है हमारी, जो भी कमाया उसकी पढ़ाई में खर्चा कर दिया। डॉक्टर है बिटिया हमारी, अब उसके लिए एक अच्छा सा इंजीनियर लड़का बताइए। बड़ा नाम सुना है आपका, बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। कोई अच्छा सा लड़का बताए जिससे मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाए। देखिए, अरे मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन बिना लेन देन किए वो भी इंजीनियर दामाद, आ मुश्किल का काम लग रहा है जजमान। कोई तो ऐसा रास्ता या उपाय होगा पंडित जी जहां बगैर लेन देन के काम हो जाए? मुझे तो कोई रास्ता समझ में नहीं आता। हम बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आए थे पंडित जी। ईश्वर हमें क्षमा करे, बिना कुछ लेन देन किए मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं, उसके लिए आप दोनों हमें क्षमा करें। अब कृपया चलते बनिए। राम 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 राम। तेरी फोकट का दामाद चाहे, वो भी इंजीनियर। बेटा पंडित जी ने तो साफ इनकार कर दिया, कह रहे थे कि बिना दहेज के इंजीनियर लड़का मिल ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही पंडित जी है? हाँ पापा, हमें पूरा यकीन है कि ये वही लोग हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि उस गुंडे ने कहा था कि उनका अड्डा लाल चौक में है, और ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने हमारी शादी जबरदस्ती करवाई थी। इन लोगों के चेहरे हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो अब हम क्या करें? पंडित जी राम राम। आप और आपकी पत्नी हमसे आकर मिले, मिलके लगा आप बड़े ही सज्जन लोग हैं, इसलिए हमने सोचा आपको एक सुझाव दे दें। रास्ता थोड़ा टेढ़ा है, आप चिंता मत करिए, लड़का हीरा है हीरा, क्योंकि आज के जमाने में इंजीनियर लड़का मिलना बड़ा ही मुश्किल का काम है। बाकी काम मुझ पे छोड़ दीजिए, लड़के की सारी गारंटी मेरी, मैं स्वयं लेता। पंडित जी, कैसा रास्ता और कौन सा उपाय? अब सारी बात आप फोने में पूछ लेंगे कि आएंगे अपने दामाद से मिलेंगे भी है? अरे एक महत्वपूर्ण बात तो बताना भूल ही गया मैं आपको, 1,00,000 रुपए से होगी आपके दामाद की मुदिखाई और 2,00,000 रुपया शादी के बाद, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी, 3,00,000 रुपए मैं नहीं ला सकता। अरे 25,00,000 की पार्टी 3,00,000 में मिल रही, आप ही बताओ जजमान, इससे सस्ता और इससे अच्छा कोई डील हो सकती है क्या भला? अब ये लोग तो कहीं और जा रहे थे, मैंने आपके कारण रोक रखा है। अगर एक बार पार्टी हाथ से निकल गई ना, बिटिया जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी। बिठा के खिलाना उसको अपनी डॉक्टराइन बिटिया को, और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना। हमारा काम था जजमान परामर्श देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब हम रख रहे हैं फोन। ठहरिए पंडित जी ठहरिए, ठीक है हम लोग शाम को आ जाएंगे। ये हुई ना बात, अरे निश्चिंत रहिए, बस तुम 1,00,000 रुपए एडवांस वाला वो लेकर आ जाओ, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जी राम 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 राम। शांत रहे बेटा शांत रहे, तेरे ही चैंबर की तो तैयारी में लगे हम लोग, शांत रहे। ये क्या है पंडित जी? अरे जजमान आ गए आप, आइए 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 आइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ जितना लोग है ना सब अपना बच्चा लोग हैं। पंडित जी आपके कहे अनुसार मैं पैसे ले आया हूँ। लेकिन बहन जी की आंखों में आंसू देख लिया ना, कलेजा पसीज गया, इससे दूल्हे को दिखा दिया। अब निकालिए 1,00,000 रुपया, देर मत करिए, लड़के को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अब जब तक शादी नहीं हो जाती ना इसकी खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। 4 दिन के भीतर विवाह की सारी तैयारियां हो जानी चाहिए, 5वें दिन ये इंजीनियर साहब आपके दामाद। अब दो दक्षिणा हमारी, दक्षिणा पंडित जी दक्षिणा चाहिए हा? चला देते हैं तो का दक्षिणा थाने चलकर है। एक मिनट, पहले इस लड़के को खोल दो और इसको सही सलामत इसके घर पहुंचा दो। इंस्पेक्टर साहब ये वही पंडित जी जिन्होंने हमारी जबरदस्ती शादी बनाई थी, और ये वही गुंडे हैं जिन्होंने हमें किडनैप करके यहाँ पर रखा था। अरे तुम बिल्कुल चिंता ना करो, इन सब की खबर लेंगे हम, और इनकी पूरी राम कहानी तो हम थाने चलकर सुनेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ और लोगों की खबर लेनी है। चलो सर चलो। हमने ही गुंडे भेजे थे इन्हें उठाने के लिए, क्या करते, एक ही बहन है हमारी। और यही तरीका मिला था तुम्हें? कुछ गलत नहीं किया,
हमारी बहन खुश है और उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। चुप, एकदम चुप। तू सब क्या गलत किया हमने है? अरे थक चुके थे हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते। किसी को 10 लाख चाहिए तो किसी को 15 लाख, किसी को घर चाहिए तो किसी को गाड़ी। कहां से लाते हम ये सब? आस पड़ोस की सभी शादी लायक लड़कियों की शादियां हो रही थी और बिरादरी वाले हम पर फप्तियां कसते थे कि जवान बेटी को घर पर रखा है, हमें ये पास लड़का भी नहीं ढूंढ पाए उसके लिए। हमें अपने आप पर घृणा आती थी, घृणा। और एक दिन हमने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हम अपनी बेटी के लिए एक MBBS डॉक्टर लड़का ढूंढेंगे। हाँ साहब, तभी हमने पंडित जी से संपर्क किया। इसके आगे की कहानी पंडित जी बोलेंगे। पंडित जी शुरू हो जाओ वरना ये डंडा बोलेगा। हाँ साहब, हमने बताया था गुंडों को फोन कर कि डॉक्टर की शादी हो रही और इत्तेफाक से सोनू को बहन के लिए डॉक्टर लड़का चाहिए था। मैं तो गरीब ब्राह्मण था। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे स्वार्थ की बात को जोक संजोक की बात कह रहे हो? हाँ फिर आगे क्या हुआ था? फिर मैंने साहब पंडित जी से संपर्क किया। पंडित जी ने मुझे फोटो दिखाया और कहा कि ये योगेश है और ये MBBS और डॉक्टर है। तो मैं शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया साहब। अब तो पूरी रीति रिवाज से हमारी बिटिया इनकी पत्नी है। अरे इतनी जल्दी क्या है? हाँ, इसका फैसला तो अदालत करेगी और तुम सभी लोगों का भी। चलो डालो इन्हें अंदर। अबे चल अंदर। हाँ लल्ला, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है? थैंक यू इंस्पेक्टर सर। और हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत तुम्हारे ही हक में फैसला देगी। सरिता के घर वालों ने यह सोचा था कि जबरन ही सही, एक बार उनकी बेटी की शादी योगेश के साथ हो गई तो फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ साथ योगेश और उसके घर वाले उनकी बेटी को अपना लेंगे। पर जरा आप ही सोचिए, जिस शादी को हम 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, क्या वो सिर्फ 7 फेरे लेकर कायम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये रिश्ता दिल से दिल का मेल है, ये रिश्ता भावनाओं का जुड़ाव है, ये रिश्ता एहसासों के तार से बंधा वो बंधन है जिसमें आपसी रजामंदी बेहद जरूरी है। याद रखिए, इस तरह की शादी में यकीन रखने वाला हर परिवार किसी और का नहीं, सिर्फ अपनी बेटी का दुश्मन है। बंदूक के दम पर हुई हर शादी का अंजाम सिर्फ बुरा ही हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग लेती हुई ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, UP fights back। जुर्म से जंग जारी है, अब UP की बारी है।